बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई है तू? तुझे मालूम है ना, मुझे और मेरे बेटे को हर सेकंड में खाना चाहिए। अरे मेरी बात तुझे सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? दिन भर अपनी मनहूस बेटी में लगी रहती है, हमारी तो कुछ फिक्र है ही नहीं इसे। टूनी चिड़िया अपने सास की आवाज सुनकर तुरंत उड़ते उड़ते आ जाती है। माँ जी, आप इतनी जोरों से क्यों चिल्ला रही थी? बोलिए माँ जी, क्या हुआ आपको? ये बता, क्या कर रही थी तू अपने मनुष्य बेटी के साथ? माँ जी, मैं मुनमुन के तेल मालिश कर रही थी। खैर, ये सब बात छोड़िए, आप मुझे क्यों बुला रही थी? जा, मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए खाना लेकर के आ। तुझे मालूम नहीं है हर सेकेंड में हम दोनों माँ बेटे को कितनी भूख लगती है? जल्दी जा और तुरंत मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए खाना लेकर के आ। माँ जी, थोड़ी देर पहले तो ये खाना लेकर के आई थी आप दोनों के लिए, फिर से इतनी जल्दी भूख लग गई? तू हमसे सवाल करेगी? जितना बोला गया उतना ही काम किया कर, समझे तू? अब जा, खाना लेकर के आ। ठीक है माँ जी, अभी लेकर आती हूँ आप दोनों के लिए खाना। इतना बोलकर टूनी चिड़िया किचन में खाना लेने चली जाती है। फिर खाना लेकर उड़ते उड़ते अपनी सास के पास आ जाती है। खाना रख दिया, अब जा यहाँ से तू। और हाँ, हम लोग माँ बेटा खाना खाने के बाद जंगल की सैर करने निकल जाएंगे, तू घर का देखभाल करना। समझ में आई बात? ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप लोग चले जाइएगा। ठीक है, अब जा यहाँ से। ठीक है माँ जी, अब हम जाते हैं। इतना बोलकर टूनी चिड़िया अपने बच्चे के पास उड़ते उड़ते आ जाती है। फिर कुछ घंटे बीत जाने के बाद टूनी चिड़िया एक और अंडा देती है। ये सब देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, फिर से मैं एक और बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। माँ जी और मोनू जी ये बात सुनेंगे तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। माँ, मेरी सास ने दहेज मांगा है, मुझे बहुत बोल रही थी माँ। आप मेरा कैसा घर में शादी करवा दी माँ? मेरी सास एक नंबर की लालची है माँ, और तो और वो एक नंबर की जलनखोर भी है माँ। दिन भर काम करवाती रहती है हमसे, अगर मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ जाऊं पूरा जलती है माँ। ईश्वर ना करे ऐसी सास किसी को दे। खैर, ये सब बात छोड़िए माँ, मुझे एक चिंता सता रही है माँ। आप उस लालची और जलनखोर को कहाँ से इतना देंगी पैसा माँ? बेटा, तुम चिंता मत करो बेटा, मेरे पास एक उपाय है। जो अपना पुराना वाला एक बगीचा था, वो बगीचे बेचकर तुम्हारी सास को मैं पैसा दे दूंगी। बस मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, तुम्हारी सास तुमसे खुश रहे। अब तुम जाओ बेटा अपने घर, तुम अपने सास को बोल देना दहेज मिल जाएगा, बस 2 दिन और टाइम चाहिए मुझे। अपने सास को बोल देना बेटा, ठीक है बेटा, कि माँ को और 2 दिन टाइम चाहिए। अब जाओ तुम बेटा अपने घर। ठीक है माँ, मैं बोल दूंगी, आप अपना ख्याल रखिएगा माँ, अब मैं चलती हूँ। फिर नैना उड़ते उड़ते वापस अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही पहुंचती है, नैना देखती है कालू कौवा टूनी से झगड़ा कर रहा है। ये देखकर तुरंत नैना कौवा से कहती है, अरे कालू भालू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ को मारने के लिए? जल्दी यहाँ से भाग जा, समझा तू? वरना ठीक नहीं होगा। फिर कौवा डर से तुरंत भाग जाता है। फिर टूनी बोलती है, बेटा आज तूने मेरी जान बचा ली बेटा, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया है बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत भूल हो गई है बेटा। बहू बेटी में फर्क कर रही हूँ, बहू भी दूसरे घर की बेटी होती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, बस मेरे घर में एक लक्ष्मी चाहिए जो मेरे घर को खुशियों से भर दे। तुम क्यों नहीं बोल रही हो बेटा, कुछ तो बोलो, क्या तुम अपनी माँ को माफ नहीं करोगे बेटा? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, गलतियाँ तो सबसे होती है, मुझे बहुत खुशी मिली माँ, अब दहेज नहीं मांग रही है तो मैं ये बात माँ को बता कर आती हूँ, वो बहुत ज्यादा खुश होंगी माँ। हाँ बेटा, तुम जाओ, तुम्हारी माँ बहुत परेशान होती होगी। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, बस मैं तुरंत आ जाऊंगी। फिर नैना उड़ते उड़ते अपने घर वापस चली जाती है।
माँ आप चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो गया है माँ। अब मेरी सास को दहेज नहीं चाहिए माँ, क्योंकि मैंने अपने सास को जान बचाया है, इसलिए माँ। अरे वाह बेटा, तुमने ये बहुत अच्छी खबर सुनाई है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बेटा। अब तुम्हारी सास को दहेज नहीं चाहिए, अब जा अपने घर बेटा और खुशी खुशी से रहना अपनी सास के साथ, और हर दुख सुख में साथ देना बेटा। ठीक है बेटा? ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ अपने घर, आप अपना ख्याल रखिएगा माँ। फिर नैना उड़ते उड़ते अपने घर वापस आ जाती है। बेटा तुम आ गई, तुम्हारी माँ ठीक है ना बेटा? वो ज्यादा टेंशन में नहीं थी ना बेटा? हाँ माँ वो ठीक है, और हाँ माँ आप दहेज नहीं मांगे तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई माँ। आपका धन्यवाद माँ, आप मेरी माँ से दहेज नहीं मांगी। हाँ बेटा मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब हम लोग साथ में खुशी खुशी से रहेंगे बेटा, और हर दुख में साथ देंगे बेटा। ठीक है बेटा? फिर सब पक्षी साथ में खुशी खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं।